माइक नहीं देखा तो आपने गुजरात के भावनगर की मुलाकात ली है, सरकारी समझाए है उसकी सब जगह देखा आपने इसको। गुजरात के शिक्षा मंत्री जी ने कहा अभी कि हमने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है कि या तो यहाँ पढ़ लो और जिसको गुजरात मतलब शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़ के दिल्ली चले जाओ। तो ये बड़ा एरोगेंट बयान लगा मुझको। तो मैंने सोचा कि फिर हम भी देख लेते हैं भाई गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने क्या किया है। तो मैं इधर आया हूँ आज शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में। मैंने सोचा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में तो स्कूल बड़े वर्ल्ड क्लास कर दिए होंगे जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं आया और देखा कि शिक्षा मंत्री जी की अपनी विधानसभा में स्कूल ऐसे हैं, एक छोटे स्कूल में ऊपर तक। अब आप देखो यहाँ चारों तरफ, अगर आप यहाँ से दिखाओगे मेरे इसके बाद में सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं। अब उनको पता था मैं आ जा रहा हूँ तो जाले की बेचारों ने साफ़ सफाई तो करने की कोशिश की है लेकिन सारे जाले अभी भी लगे हुए हैं। मकड़ी के जालों के बीच, टूटी फूटी दीवारों वाले के बीच आप देखो ना, ये देखो ये इनके मध्यान्ह भोजन बोर्ड भी लगा हुआ है, क्लास भी चलती है, क्लासेस खुले में क्लासेस चल रही हैं, अंदर भी क्लासेस हैं। अब खाली एक स्मार्ट बोर्ड टांग दो तो भी स्कूल अच्छा हो गया। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले, नीचे क्लासरूम में गया वहाँ पर पता चला बच्चों के पास में फर्श भी नहीं है बैठने को, मतलब फर्श तक नहीं अगर शिक्षा मंत्री अपने स्कूल में दे पाए हैं अपनी विधानसभा में। टूटी हुई दीवारों के बीच में, मकड़ी के जालों के बीच में, सड़े हुए वातावरण में अगर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जिन लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को चुन के भेजा, जिन लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा मंत्री बनाया, कम से कम उनका तो ध्यान कर लेते कि उनके बच्चों को इतनी टूटी हुई दीवारों में, मुझे देख के डर लग रहा है कि इतना रिस्की है, कभी भी गिर सकता है, और इतनी गंदगी कि मकड़ी के जाले साफ करने के बावजूद नहीं हटे। सुबह से सफाई लग रही है, उनको पता है मैं आ रहा हूँ, सफाई लग रही है, उसके बावजूद अभी भी मकड़ी के जाले नहीं हटा पाए। चार स्मार्ट बोर्ड टांग के स्कूल में वो कहना चाहते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, तो मजाक ना। ये गुजरात गांधी की, ये सरदार पटेल की धरती है जिन्होंने शिक्षा के लिए इतने काम किए और इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इतने बड़े बड़े प्लान बना के रखे इस देश के सामने। तो समझें कि अगली जनरेशन यहीं से निकल रही है और कुछ सीखें, समझ लें। अभी भी थोड़ा समय है, 5-6 महीने चुनाव में, नहीं तो फिर जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो स्कूल अच्छे बनवा सके। क्या फर्क दिखा सर? सर 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 क्या फर्क दिखा? शिक्षा के लिए नहीं, आपका द्वारा चुनावी द्वारा एक बोले ऊपर